बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करेंगे। विफाक बजट में कॉटन इंडस्ट्री पर जनरल सेल्स टैक्स लगाने का मामला, एफबीआर का कॉटन ट्रेनर्स के गिर्द शिकंजा तंग करने का फैसला, बहावलपुर रजन में कपास की कुल प्रोडक्शन कीमत में 8 अरब के टैक्सेस जमा करने होंगे। आपको बताएं कि वफाकी बजट में कॉटन इंडस्ट्री पर जनरल सेल्स टैक्स लगाने का मामला, एफपीआर का कॉटन जनरल्स के गिर्द शिकंजा तंग करने का फैसला, बहावलपुर रीजन में कपास की कुल प्रोडक्शन कीमत में 8 अरब के टैक्स जमा करने होंगे। आपको बता रहे हैं कि वफाकी बजट में कॉटन इंडस्ट्री पर जनरल सेल्स टैक्स लगाने का ये मामला है, एफपीआर का कॉटन जनरल्स के गिर्द शिकंजा तंग करने का फैसला, बहावलपुर रीजन में कपास की कुल प्रोडक्शन कीमत में 8 अरब के टैक्स जमा करने होंगे। आपको बता रहे हैं कि वफाकी बजट में कॉटन इंडस्ट्री पर जनरल सेल्स टैक्स लगाने का ये मामला है, इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ बहावलपुर तैयब सैफ से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा, कॉटन इंडस्ट्री पर जनरल सेल्स टैक्स भी लगाए जाएंगे? आज बिल्कुल, ये पहली दफा हो रहा है कि कॉटन इंडस्ट्री के ऊपर जीएसटी टैक्स बकायदा तौर पर लगाने का फैसला वफाकी हुकूमत की जानिब से जो किया गया था, उसका टास्क बिलाखिर एफबीआर को मिल गया है और एफबीआर ने भी जीएसटी की जो शरह कॉटन इंडस्ट्री के लिए 10% रखी गई है उसके हिसाब से तैयारियां करना शुरू कर दी हैं और तमाम अदाद व शुमार जो हैं उनको ज़र्ब तकसीम देना भी अभी से शुरू कर लिया है। खासतौर पर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान भर की, तो जब कॉटन सीजन अरूज के ऊपर होता है तो तब 1070 कॉटन फैक्ट्रियाँ जो हैं पूरे मुल्क के अंदर काम कर रही होती है, जिसमें इस बड़ी तादाद पंजाब और सिंध के अंदर होती है। और ख़ासतौर पर अगर हम बात करते हैं भावलपुर की, तो भावलपुर डिवीज़न के अंदर कुल 450 से ज़ायद कॉटन फैक्ट्रियाँ होती हैं और उन तमाम कॉटन फैक्ट्रियों से तकरीबन 33 लाख से ज़ायद जो कॉटन बेल्स हैं वो तैयार होकर मार्केट में पहुंचाई जाती हैं और टेक्सटाइल सेक्टर के पास पहुंचती हैं। जबकि अगर टैक्स की हम बात करते हैं, तो इससे पहले जो टैक्स है हमेशा टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर लगाया गया था, कभी भी कॉटन के ऊपर या रुई के ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया था। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ हुई है कि एफबीआर ने जो एक तमाम स्कीम तैयार की है उसमें कॉटन के ऊपर टैक्स लगाने का जो काम है वो शुरू किया गया। इसमें अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ भावलपुर डिवीजन की, तो भावलपुर डिवीजन में एफबीआर को 8 अरब रुपए से जायद का टैक्स कलेक्शन हासिल हो सकता है। जबकि अगर हम बात करते हैं पूरे मुल्क की, तो पूरे मुल्क में अगर हम गुज़िश्ता साल के निस्बत अंदाज़ा लगाते हैं, तखमीना लगाते हैं, तो उसमें 60 अरब रुपए से जायद का जो टैक्स कलेक्शन है वो एफबीआर हासिल करेगा। जबकि इस साल अगर हम बात करते हैं कॉटन की पैदावार की, तो वज़ीर आज़म की जानिब से इस साल एक सूसी कंपेन लॉन्च की गई थी कि कॉटन को ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाए। और ख़ासतौर पर अगर हम बात करते हैं, तो इस साल जो एक मुतवक्के एक पैदावार जाहिर की जा रही है कॉटन की, वो 1,40,00,000 गांठ उसका एक तखमीना लगाया जा रहा है महकमा ज़राअत की जानिब से। अगर उन तमाम बेल्स के ऊपर तमाम जीएसटी टैक्स जो है इकट्ठा किया जाए, तो उस टैक्स की मद में एफबीआर जो है तकरीबन 66 से 70 अरब रुपए इकट्ठा कर सकता है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिनर्स जितने भी हैं तमाम के तमाम इस मामले के ऊपर इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं और इस तमाम जो एफबीआर की जानिब से जो एक जीएसटी लगाने का काम जो शुरू किया गया है, इसको मुस्तरद करने का भी बात सामने आना शुरू हो चुकी है। क्योंकि ये जो टैक्स है ये पहली बार कॉटन के ऊपर भी लगाया गया है और साथ ही साथ खल के ऊपर भी लगाना शुरू किया गया है। एक तरफ उन्होंने कॉटन इंडस्ट्री को इसमें टारगेट किया और साथ ही साथ जो एक ऑयल इंडस्ट्री है, घी इंडस्ट्री है, उसको भी टच करने का इन्होंने फैसला किया है। इस मामले पे सूरत हाल वक्त फवक्त सामने आती रहती है, ऑयल इंडस्ट्री की भी और कॉटन इंडस्ट्री की भी, लेकिन अभी तक कोई वाजे सूरत हाल सामने नहीं आ सकी। लेकिन सूरत हाल एफबीआर ने वाजे कर दी है कि उन्होंने जो 10% के हिसाब से जो टैक्स इकट्ठा करना है उसके हिसाब से उन्होंने तमाम तरह तैयारियां शुरू कर ली हैं और खासतौर पर इंतजार किया जा रहा है। पहली बार कॉटन और खल पर भी जीएसटी टैक्स लगा दिया गया है। तैयब साहब, आप हमारे साथ भी मौजूद रहेगा, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेंगे। आपको बता रहे हैं कि वफाकी बजट में कॉटन इंडस्ट्री पर जनरल सेल्स टैक्स लगाने का ये मामला है और एफबीआर का कॉटन जनरल्स के गिर्द शिकंजा तंग करने का फैसला कर लिया गया है। बहावलपुर रीजन में कपास की कुल प्रोडक्शन की बस में 8 अरब के टैक्स जमा करने होंगे। आपको बता रही है कि कॉटन और खल पर तारीख में पहली बार ये जीएसटी टैक्स लगाया गया है। दूसरी जानी बहावलपुर में इस्लामी यूनिवर्सिटी का 71वां सिंडिकेट इजलास हुआ। वाइस चांसलर डॉक्टर आमिर एजाज ने इजलास की सदारत की है। इजलास में 3.8 अरब मालिक के बजट की मंजूरी भी दी गई है। 2.5 मेगावाट पावर के शमसी तवानाई प्लांट की तंसीब की मंजूरी दे दी गई। मजीद बात करेंगे तैयब सैफ से। तैयब, बताइएगा, इस्लामिया यूनिवर्सिटी तवानाई के हवाले से खुद कफालत अख्तियार करने की जानिब से पहला कदम उठा लिया और खासतौर पर आज 71वां सिंडिकेट का इजलास हुआ है, जिसकी सदारत वाइस चांसलर डॉक्टर आमिर इजाज ने की थी और उसके अंदर 3.8 अरब रुपए का बजट बाकायदा तौर पर मंजूर किया गया है सिंडिकेट के इजलास के अंदर, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये है कि 2.5 मेगावाट
का बिजली का एक अपना प्लांट लगाया जाएगा इस्लामी यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि तमाम का तमाम शमसी तवानाई के ऊपर मुश्तमिल होगा और खासतौर पर इससे यूनिवर्सिटी के अपने अखराजात में कमी आएगी। और साथ ही साथ जब छुट्टियाँ होंगी और जो खासतौर पर हफ्ते और इतवार के दिन होंगे जब यूनिवर्सिटी में तमाम बिजली इस्तेमाल नहीं कर रही हुआ करेगी, तो वही तमाम बिजली नेशनल ग्रिड में भी शामिल होगा। आपको बताएं कि मुल्तान में हसनाबाद में 9 अफराद के कत्ल का लर्जा खेस मामला, कत्ल में मुलव्वस मुलजिम अशमल मुजफ्फरगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमा फरहत और अनिला ताहाल फरार हैं। अब तक 3 मुलजिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें मुलजिम अशमल, उसका बाप और उसका भाई अशमल अब मुजफ्फरगढ़ से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी हाँ, मुल्तान हसनाबाद में 9 अफराद के कत्ल का ये मामला है और कत्ल के मामले में एक नया मोड़ आया है। कत्ल में मुलव्वस मुलजिम अशमल मुजफ्फरगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि मुलजिमा फरहत और अनिला ताहाल फरार है, कानून की गिरफ्त में नहीं आ सकी। अब तक 3 मुलजिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सबसे पहले मरकजी मुलजिम अजमल और उसके वालिद कानून की गिरफ्त में है और अब मुलजिम अशमल भी गिरफ्तार हो चुका है। इसी हवाले से बात करेंगे जुबैर अवान से। जुबैर, बताएगा कि अशमल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ जी बिल्कुल, ये भी इस सानिया का मुलजिम था जिसका नाम अशमल है और इसे मुजफ्फरगढ़ के इलाका से गिरफ्तार किया गया है। 30 जून को ये हसनाबाद का इलाका में अफसोसनाक वाकया पेश आया था कि एक ही घर के 9 अफराद को बेदर्दी के साथ फायरिंग करके कत्ल किया गया था, जिसके बाद पूरे घर को आग लगा दी गई थी। उसी दिन जो मरकजी मुलजिम अजमल है और उसका जो वालिद जफर था, उन्हें तो पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर आज इस सानिया को 10 रोज मुकम्मल हो चुके हैं और ये जो इस FIR में नामजद तीसरा मुलजिम अशमल है, उसे पुलिस की जानिब से मुजफ्फरगढ़ के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। इससे कबल ये जो 9 रोज गुजरे हैं, पुलिस की जानिब से जो मुल्तान और मुल्तान से बाहर मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर छापे मारे जा रहे थे। इस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा पुलिस की जानिब से स्पेशल टीमें भी तश्कील दी गई थी, जिनमें थाना न्यू मुल्तान और इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं उनकी भी टीमें तश्कील दी गई थी, जिन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए आज बिलाखिर 10 रोज के बाद ये जो तीसरा मुलजिम है अशमल, इसे मुजफ्फरगढ़ के इलाके से गिरफ्तार किया गया है, जिससे अब बाकायदा तौर पर तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक पुलिस को जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल होता है उसमें रखा गया है, अभी तक किसी थाना न्यू मुल्तान में नहीं लाया गया। कल उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि मुलजिम को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा और इसके बाद इसे जो तफ्तीश है वो मजीद बढ़ाई जाएगी। कि जायवकुआ से पिस्टल एक मिला था, पुलिस को कहा जा रहा था कि दूसरा पिस्टल भी इस्तेमाल किया गया है, मगर वो जायवकुआ से नहीं मिला, तो क्या पुलिस को जो है वो अशमल से वो पिस्टल बरामद हो पाया है? देखें, अभी तक तो सिर्फ इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और इससे की गिरफ्तारी को पुलिस की जानिब से अभी बाकायदा तौर पर जाहिर नहीं किया गया। ये भी जो हमारे ज़राए हैं उनकी जानिब से हमें इत्तला मिली थी, तो हमने जानने की कोशिश की तो बाकायदा तौर पर हमें पता चला कि ये मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है, जबकि अभी इससे तफ्तीश भी जारी है कि इन्होंने कत्ल ये सारे क्यों किए थे, इनके पीछे क्या वजूहत थी। अभी तक जो दूसरा पिस्टल है वो बरामद नहीं हो सका या फिर पुलिस उसको जाहिर नहीं करना चाह रही, क्योंकि इस केस के पीछे बहुत सारी वजूहत हैं, जबकि जो दीगर दो खवातीन भी इसी FIR में नामजद हैं जिनका नाम अनिला और फरहत है, वो ताहाल फरार हैं, पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मार रही है। अनिला फरहत की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रही हैं। जुबैर अवान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने का। को बताएं कि मुल्तान में ताजर बरादरी हुकूमती मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ सराप एहतजाज हो गए। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान अंजुमन ताजरान पाकिस्तान और चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। ताजरों ने गो इमरान गो का नारा लगा दिया। देखिए वकार धूमन की रिपोर्ट। मुल्तान की शदीद गर्मी में ताजरों का हुकूमत के खिलाफ पारा मजीद चढ़ गया। हुसैन आगाही चौक में मरकजी तंजीमें ताजरान पाकिस्तान की जानिब से मुजाहरा किया गया, जिसमें ताजर रहनुमा ख्वाजा सलमान सिद्दीकी की कयादत में ताजरों की बड़ी तादाद ने टैक्सों की भरमार और महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। अब तो हुकूमत खुद कहने लग गई है कि FBR में भी चोर बैठे हैं, तो आप उनको पकड़ो, ये छोटे छोटे ताजर जिन बेचारों का बच्चों का पेट नहीं पाल सकते रात को, तो इनका क्या कसूर है? यही वजह है कि हम मुसलसल एहतजाज पे हैं। इसी तरह हरम गेट के बाहर अंजमन ताजरान पाकिस्तान ने भी एहतजाज करते हुए हुकूमत से अपील की कि छोटे ताजरों का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। जो हमें चोर कहता है वो कुछ चोर है, हम टैक्स देते हैं, टैक्स से हुकूमतें चलती हैं। ये याद रखें, अगर ताजर टैक्स देना बंद कर दे तो हुकूमत एक दिन के एक मिनट नहीं चल सकती।
नवा शहर चौक में चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स मुल्तान की जानिब से भी FBR के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें सैकड़ों ताजर शरीक हुए। ताजरों ने हुकूमत मुहालिफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि आम आवाम के लिए टैक्स का निजाम आसान बनाया जाए। उनकी ताजर बरादरी का कहना है कि 13 जुलाई की मुल्क गिर हड़ताल के लिए मुत्तहिद हैं, जिसमें हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ वकार गुमन, मुल्तान। मुल्तान में एप्का पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सर्कल की हड़ताल महंगाई के खिलाफ और मुतालबात के हक में रैली निकाली गई। कहते हैं ऐसे हालात कभी ना थे जो इस हुकूमत ने पैदा कर दिए हैं। वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। सेक्रेटरी जनरल एजाज संगेड़ा का कहना था कि कंट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करके अलाउंसेज में इजाफा किया जाए और माशी कत्ल बंद किया जाए। इडहाक रिलीव जो है वो कानूनी तौर पर इडहाक रिलीव नहीं दिए जाते, वो बुनियादी तनख्वाह का हिस्सा होते हैं। तो हमने यही मुतालबा किया था कि पिछले जो इडहाक रिलीव है उनको जम कर दिया जाए और आगे जो है महंगाई के तनासब से इजाफा किया जाए। इसी तरह हाउस रेंट जो है वो 2008 पर सीज की हुआ है, हमारा मुतालबा है कि नए स्केलों पर दिया जाए, वो इंतहाई जायज मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने मजदूर दुश्मन बजट बनाया है जिसे मुस्तरद करते हैं, होश के नाखून ले वरना मुल्क गिर हड़ताल की कॉल भी दी जाएगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ वकार गुमन, रोही, मुल्तान। तो दूसरी जाने बहावलपुर में वाबडा हाइड्रो यूनियन भी हालिया महंगाई और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ खुलकर सामने आ गई। यूनियन अहदेदारों ने तनख्वाहों में 10% इजाफे को मुस्तरद करके महंगाई के तनासुब से इजाफे का मुतालबा किया है। देखिए तैयब सैफ की रिपोर्ट। बहावलपुर में ताजरों एपका के बाद वाबडा हाइड्रो यूनियन भी मौजूदा महंगाई की लहर के खिलाफ सामने आ गई। वाबडा हाइड्रो यूनियन ने मैपको बहावलपुर ऑफिस में योम मुतालबात की मुनासिबत से हुकूमत मुहालिफ जलसा और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसका भी हक है की वो जाकर 10 मिनट AC में बैठ गया और अपने बच्चों के साथ खुशगवार मूड में बैठे, उसका भी हक है। यूनियन ने ग्रुप इंश्योरेंस की मंजूरी, मीटर रीडर और ALM को वर्क चार्ज से कॉन्ट्रैक्ट में मुंतकिल करने का मुतालबा भी किया। रोज गवर्नमेंट पीटती रहती है, हम मजदूर हैं, हमारा हक बनता है और ये हमारी कम से कम डबल की जाए। इसके अलावा मुलाजमीन की बहुत ज्यादा तादाद जो है वो शॉर्टेज है, जिस वजह से हादसा हो रहे हैं, रोज मुलाजमीन मर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इंतजामिया किसान इतिहाद के खिलाफ कार्रवाई करे वरना यूनियन अपनी सतह पर एहतजाज का दायरा कार वसी करेगी। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। पार्क एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की नाहली, मुल्तान के मुताबिक पार्कों में वॉक थ्रू गेट तो मौजूद है मगर फाल नहीं। मजीद तफसीलात जानते हैं अली रियाज की इस रिपोर्ट में। मुल्तान के मुख्तलिफ पार्कों में सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम PHA की नाहली का वाज़े सबूत हैं। पार्कों में PHA की जानब से वॉक थ्रू गेट तो लगाए गए हैं मगर गेट्स फाल नहीं, जो पार्क की सिक्योरिटी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। चेयरमैन PHA का कहना है कि दर्जा हरारत बढ़ जाने की वजह से वॉक थ्रू गेट्स के सेंसर खराब हो गए हैं, एक हफ्ता में तमाम पार्कों में मौजूद वॉक थ्रू गेट्स को फाल कर देंगे। वॉक थ्रू गेट लगाना बिल्कुल जरूरी है लेकिन उसके साथ अगर बंदा नहीं खड़ा तो चाहे बंदा बम लेके गुजर जाए उस गेट से क्या फायदा, में वो सीटियां बचती रहे कुछ नहीं होगा। उसके लिए जरूरी है कि आपका वॉक थ्रू गेट ठीक हो और वहां सिक्योरिटी का बंदा खड़ा हो। उसके लिए हमने लेटर लिखा हुआ है, जैसे हमें लोग मिलते हैं, इजाफी लेबर मिलती है, हम खड़ा करेंगे और सबको सही करेंगे। शहरियों का कहना है कि कई महीनों से वॉक थ्रू गेट बंद हैं, पार्क में दाखिल होने के लिए मरकजी दरवाजा इस्तेमाल करते हैं। PHA को चाहिए कि सिक्योरिटी भी दें और केयर भी करें, पार्कें तो हैं लेकिन सिक्योरिटी ना होने की वजह से कोई वाकया रोनमा हो सकता है जिसका आवाम को भी नुकसान है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पार्कों में सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर बनाए जाएं और वॉक थ्रू गेट्स को जल्द फाल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। डीजी खान से आपको खबर दें, मुशीर सेहत हनीफ खान फतावी की वजीर आला पंजाब से मुलाकात। मुलाकात में डॉक्टर अजीम लखू में भी मौजूद थे। मुशीर सेहत की जानिब से वजीर आला को इलाके की सूरत हाल से आगाह किया गया। मुलाकात में डीजी खान के मेगा प्रोजेक्ट पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वजीर आला पंजाब ने कहा कि इलाके के मसाइल मिलजुल कर हल करेंगे। जी हाँ, आपको बता रही है कि डीजी खान में मुशीर सेहत हनीफ खान फतावी की वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार से मुलाकात हुई है। मुलाकात में डॉक्टर अजीम लखू भी मौजूद थे। मुशीर सेहत की जानिब से वज़ीर आला को इलाके की सूरत हाल से आगाह किया गया। मुलाकात में डीजी खान के मेगा प्रोजेक्ट पर तफसीली गुफ्तगू की गई है, जबकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दान की जानिब से कहा गया कि इलाके के मसाइल मिलजुल कर हल करवाए जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि अहम मुलाकात हुई है। आज वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दान ने मुशीर सेहत हनीफ खान फतावी से मुलाकात की है और मुलाकात में डॉक्टर अजीम लखू भी मौजूद थे, जबकि मुशीर सेहत की जानिब से वज़ीर आला को इलाके की सूरत हाल से आगाह किया गया और उसके जवाब में वज़ीर आला की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई कि इलाके के मसाइल को दूर करने के लिए मिलजुल कर काम किया जाएगा और आवाम के मसाइल जो है तरजीही बुनियादों पर हल करवाए जाएंगे। जबकि मुलाकात में डीजी खान के मेगा प्रोजेक्ट पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया है।
आपको बता रहे हैं कि अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आला पंजाब की मुशीर सेहत हनीफ खान प्रतापी से। क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को शिकस्त दे दी। भारतीय टीम के शिकस्त पर मुल्तान में ताजरों की जान से जश्न मनाया जा रहा है और मिठाई भी तकसीम की जा रही है। वसीम जानेंगे वसीम शहजाद से। वसीम बताएगा कि भारत को शिकस्त हुई है, मुल्तान के शहरियों का क्या रद्द अमल है? वर्ल्ड कप का एक अहम तरीन जो मैच था वो इख्तिताम को पहुंचा और इंडिया जो है उसके अंदर हार गया। न्यूजीलैंड ने 239 जो है रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर, जबकि जो मुकम्मल टीम है वो 221 रन पर ढेर हो गई। हमारे साथ यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पर सदर हैं फुटबॉल एसोसिएशन के, कपड़ा मार्केट में यहाँ पर मिठाइयाँ भी तकसीम कर रहे हैं, खुशी भी मना रहे हैं। इनसे जानेंगे इस हवाले से वो क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद दूंगा क्योंकि आज जो इंडिया ने हमें जो शिकस्त दिलवाई थी आज उसका हमने बदला ले लिया है। तो इंशाल्लाह आज पाकिस्तान को समझे, पाकिस्तान के लोगों को बड़ी खुशी है आज का जो मैच इंडिया हारा है, तो इसीलिए मार्केट के अंदर इंतजाम किए गए थे। और अभी जो कपड़ा मार्केट अंधी क्योंकि सदर है मियाँ फरीद साहब, वो अभी मिठाई बांटेंगे और इकबाल साहब उनके साथ हैं, इंशाल्लाह सबको मिठाई खिलाई जाएगी सिर्फ इंडिया की हारने की खुशी में। बिल्कुल, इंडिया के हारने की खुशी में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर नारे भी लगा रहे हैं और इसके साथ साथ मिठाइयाँ जो है वो भी बांट रहे हैं क्योंकि इंडिया हार गया। और शहरियों की तरफ हम यहाँ से चलेंगे, आप बताएं कैसी खुशी है आपकी, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं, हम पाकिस्तानी होने के नाते से हम इसलिए बहुत खुश हैं कि आज इंडिया हारा है और इंडिया के प्लेयर जिस तरह ये ढेर हुए हैं ये कहते हैं कि हमारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे खेलते हैं। आप यकीन करें न्यूजीलैंड ने इनको जिस तरह ढेर किया इनको जो ना बस, और ये बिग थ्री ने जो हमारे साथ जो किया है आप यकीन करें बहुत जुल्म किया है। हमारे साथ ये सियासत हुई है क्रिकेट में, हम अपने प्लेयरों पे, हमें अपने पाकिस्तान होने पे नाज है और हम इंशाल्लाह हम इकट्ठे हैं और अपनी टीम को बैक करते हैं। खुशियां मनाई जा रही है यहाँ पर और शहरियों से पता करते हैं, आप बताइएगा आपकी कैसी खुशी है, क्या कहेंगे आप? हम बहुत खुश हैं कि न्यूजीलैंड की खुशी जीत में और इंडिया की हार में, क्योंकि इसे जान करके इंग्लैंड से मैच हारा है तो हमने भी आज से शिकस्त का बदला ले लिया है और हम पाकिस्तान की टीम से बहुत पुरउम्मीद हैं। इंशाल्लाह ये मैच अगर हार गए हैं, टूर्नामेंट हार गए हैं, नेक्स्ट में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, हम ये मैच हार गए तो कोई बात नहीं लेकिन नेक्स्ट में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन हमें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि इंडिया जो है वो फाइनल में नहीं जा सका, इसी वजह से कपड़ा मार्केट के जो सदर है वो यहाँ पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। जी आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे अवामी मसाह के हवाले से। तो जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल बहावल विक्टोरिया में दूर दराज से आने वाले मरीज रुल गए, तब्दीली सरकार ने मुफ्त इलाज की सहूलत भी छीन ली है। गरीब मरीजों को अब टेस्ट की मुफ्त सहूलत ही मैसर नहीं है, अद्वियात भी बाहर से लाई जा रही हैं। मरीजों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है, मजीद जानते हैं अतल अशारी की इस रिपोर्ट में। आपके सबसे बड़े अस्पताल भावल विक्टोरिया में गरीब मरीजों से मुफ्त इलाज की सहूलत भी छीन ली गई। दूर दराज से आए मरीजों का कहना था कि इनके पास अस्पताल आने का किराया नहीं होता, हजारों रुपए के महंगे टेस्ट कहां से करवाएं? गर्मी इतनी, कोई किसी न कोई सहूलत नहीं है, चाहे शुभ जरूरी मरीज हैं, चाहे मरीज मेडिकल सर्जरी का, लोग दर बदर ठोका खाने का मजबूर हैं। मरीजों का कहना था कि इन्हें कुछ दवाई अस्पताल से दी जाती है, बाकी बाहर की लिख दी जाती है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि इतने वसाइल नहीं कि तमाम मरीजों के टेस्ट मुफ्त करें। हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते कि हर बंदे को जो ना हम अफोर्ड कर सकें। उनको हमने कहा कि या तो ज़कात होल्डर हो या डॉकेट होल्डर हो, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो ये उनके लिए क्राइटेरिया, वो इस चीज़ को जो फुलफिल नहीं करता तो उसके लिए थोड़ा सा मसाइल पैदा हो। अदरवाइज हमारे हॉस्पिटल में हमारे तमाम AMS साहबान सारे मेरे ख्याल किसी को रिफ्यूज तो नहीं करते इस बारे। मरीजों का कहना था कि हुकूमत ने गरीब आवाम से रोजगार और रोटी के बाद अब मुफ्त इलाज की सहूलत भी छीन ली है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ अथर लाशाड़ी भावलपुर। महकमा सोशल वेलफेयर के दो इदारे गहवारा सेंटर निगेवान सेंटर 4 माह से गैरफाल हैं, मगर मुलाजमीन अब तक इदारों में मौजूद हैं। हुकाम कहते हैं कि गहवारा सेंटर को स्वीट होम में बदलने के लिए पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त कर रखी है। इसी हवाले से देखिए सुहिरा तार की रिपोर्ट। महकमा सोशल वेलफेयर के दो इदारे गहवारा सेंटर और निगेबान सेंटर 4 माह से गैर फाल हैं। नौमौलूद लावारिस और गुमशुदा बच्चों की निगहदाश्त और इन्हें पनाह देने के लिए बनाए गए दोनों इदारों में इस वक्त एक भी बच्चा मौजूद नहीं। हुकूमत के अहकाम पर गहवारा सेंटर को गैर फाल करके तमाम कामों को बंद कर दिया गया, मगर इदारे में मुलाजमीन अब तक मौजूद हैं। गहवारा की हद तक ये है कि हमारा वो मैंडेट नहीं था
गवर्नमेंट जब ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बना है तो ये मैंडेट उनका हो गया है, उन्होंने उनके लिए बच्चों के लिए करना है। निगेबान सेंटर में इंचार्ज क्लर्क बावर्ची समेत दीगर स्टाफ कोई काम ना होने के बावजूद इदारे में आते हैं और इन्हें तनख्वाहें भी वक्त पर अदा की जाती हैं। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राय अख्तर अजहर का कहना है कि निगेबान सेंटर के मुलाजमीन फील्ड में जाकर लावारिस बच्चों को तलाश करके आवाम में बच्चों की हिफाजत की आगाही भी देते हैं। पाकिस्तान बैतुलमाल देखिए, वो फेडरल गवर्नमेंट का है, ये हमारा इदारा सोशल वेलफेयर के हैं। अब ये गवर्नमेंट लेवल पे जो भी फैसला होगा, हम हैं इम्प्लीमेंटर, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें कहेगी हम अकॉर्डिंगली करेंगे। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर का मजीद कहना है कि पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से गहवारा सेंटर की बिल्डिंग को स्वीट होम में तब्दील करने की दरख्वास्त की गई है, जिसका फैसला हुकूमत पंजाब की जानिब से किया जाएगा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। कमिश्नर के अहकाम के बावजूद मुल्तान के जनरल बस स्टैंड पर बनाए गए आरजी शेल्टर होम को अभी तक किसी मुनासिब जगह मुंतकिल नहीं किया जा सका। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड का कहना है कि आरजी पनाहगाह को मुतबादिल जगह मुंतकिल करने का बंदोबस्त जल्द हो जाएगा। अली रियाज की रिपोर्ट। कई माह कबल जनरल बस स्टैंड पर आरजी तौर पर बनाए गए शेल्टर होम को ताहाल मुनासिब जगह मुंतकिल न किया जा सका। कुछ अरसा कबल कमिश्नर मुल्तान ने जनरल बस स्टैंड के दौरे के दौरान शेल्टर होम को मुनासिब जगह मुंतकिल करने का हुक्म दिया था, मगर शेल्टर होम मुंतकिल करने का मामला ताहाल ताखीर का शिकार है। दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड मोहम्मद इकबाल का कहना था कि शेल्टर होम पुलिस चौकी की जगह मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से तमाम तर इंतजाम बहुत जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। हमारे पास एक मुसाफिर खाना ऑलरेडी मौजूद था जनरल बस स्टैंड पे, जिसमें पुलिस चौकी बनी हुई थी, जिसके बारे में मौका देखने के बाद पुलिस मुकाम से रब्ता किया गया जनाब डिप्टी कमिश्नर और जनाब कमिश्नर साहब ने, और डिसाइड किया कि इसको आरजी पनाहगाह को जो है उसमें परमानेंट तरीके से शिफ्ट कर दिया जाए। मुसाफिरों का कहना था कि आरजी शेल्टर होम में सहूलियात का फुकदान है, गर्मी के इस मौसम में यहाँ बैठना मुहाल है। जो मुसाफिर हजरात आते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है, यहाँ कोई सहूलियात नहीं है, ना छत है, अंधेरी आ जाए, बारिश आ जाए, उनके लिए बड़ी परेशानी बनती है। ठीक है ना, कोई अच्छा बंदोबस्त होना चाहिए। मुसाफिरों का कहना था कि इंतजामिया को चाहिए कि जल्द अज जल्द इस आरजी पनाहगाह को एक मुनासिब जगह मुंतकिल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। थाना बहाउद्दीन जिक्रिया के रिहायशी खानदान का बच्ची के मुबैन अफवाह के खिलाफ कचहरी में एहतजाजी मुजाहरा। सजाद और शमी बीबी का कहना है कि 7 साल बेटी को घर में काम काज के लिए भेजा था, मुल्जमान वापस नहीं कर रहे। मुजाहरी ने बच्ची को ब्याह करवाने का मुतालबा कर दिया। देखिए माहिर इमरान की रिपोर्ट। मुल्तान के इलाके थाना बीजेडयू के रिहायशी मोहम्मद सज्जाद और उसकी बीवी शमीम बीबी ने रिश्तेदारों के हमराह जिला कचहरी मुल्तान में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना था कि वो गुर्बत की वजह से लोगों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर करते हैं। मकामी प्रॉपर्टी डीलर शेख नजीबुल्ला ने उनकी 7 साल बेटी साइमा को अगवा कर लिया है। साड़ी बच्ची घूम कर गए, असा पेट पेट दे राड़ राड़ ते, असा गरीब बंदे, असा जतीम बंदे खा गए, साड़ी बच्ची नू नहीं पे देंदे, साड़ी बच्ची देवेन, साड़ी बच्ची देवेन, अल्लाह वास्ते देवेन, बच्ची देवेन साड़ी। मुजाहिरीन ने कहा कि उनकी बेटी शेख नजीबुल्ला के घर काम काज करती है, जो वक्फे वक्फे से मिलने आती रहती थी, लेकिन 1.5 माह कबल 8 साल साइमा घर नहीं आई, जिस पर तशवीश लाहक हुई तो शेख नजीबुल्ला से बेटी बारे पूछा, जिसने पहले तो टाल मटोल कर दिया, लेकिन बार बार पूछने पर वो तैश में आ गया और कहने लगा कि उसे भूल जाओ, जिस पर उन्होंने पुलिस से रुजू किया। नजीबुल्ला शेख ने आदा भाई इतो बच्ची गई है, असा लाए लाहौर भेजिए, लाहौर गुम हो गई, असा एफ आई आर कटा दीती है, असा किस वजह तू कटा दीती है, शान तो नहीं पता भाई तुसा एफ आई आर कटाई है किवें नहीं। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें शक है कि उनकी बेटी को शेख नजीबुल्ला ने बेगम आबदा बीबी से मिली भगत करके अपनी बेटी नादिया के घर लाहौर भिजवा दिया है। अब लाहौर में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि उनकी बेटी को बाजियाब कराया जाए ताकि उनकी दादरसी हो सके। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ महर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। आपको बताएं कि कमिश्नर डीजी खान, असदुल्ला फैज और आरपीओ इमरान अहमद रोजा दौरे पर राजनपुर पहुंच गए। जामपुर पुलिस खिदमत सेंटर, पुलिस लाइन्स में पार्क और इंडोर गेम्स के लिए रिक्रिएशन रूम का इफ्तिताह किया। आरपीओ इमरान अहमद ने कमिश्नर असदुल्ला फैज के हमराह पुलिस खिदमत मरकज जामपुर का इफ्तिताह किया। उन्होंने पुलिस लाइन्स में इंडोर खेलों के लिए बनाए गए रिक्रिएशन रूम और पुलिस लाइन्स में रहने वाली फैमिलीज के लिए बनाए गए पार्क का भी इफ्तिताह किया। डीपीओ राजनपुर हारून रशीद भी आरपीओ इमरान अहमद के हमराह थे। उन्होंने कमिश्नर और आरपीओ को खिदमत सेंटर के बारे में ब्रीफिंग दी। आरपीओ इमरान अहमद को पुलिस लांच राजनपुर में पुलिस के चाकों चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की।
آرتیوں نے یادگار شہدا پر پھول چڑھائے اور شہدا کے لیے دعا کی۔ احمد پور شرکیہ میں بہاول پور ڈسٹرکٹ سیشن جج ملک مشتاق اوچلا کا احمد پور شرکیہ عدالت کا دورہ، مورل کورٹ میں انتظامات کا جائزہ اور منی ریسٹ ہاؤس میں پودا لگایا۔ احمد پور شرکیہ میں ڈسٹرکٹ سیشن جج ملک مشتاق اوچلا کا ایڈیشنل سیشن اور سول ججز نے استقبال کیا۔ ججز سے ملاقات کے بعد چاکو جوان دستے نے سلامی پیش کی۔ انہیں دورے کے دوران سول جج درجہ اول عامر جاوید نے عدالتی مسائل سے آگاہی دی۔ احاطہ عدالت کے منی ریسٹ ہاؤس میں چترکاری کا پودا لگایا گیا اور دعا بھی کی۔ اس موقع پر تمام سول ججز اور ایڈیشنل سیشن جج تحصیل احمد پور شرکیہ بھی موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر آصف اقبال کا میونسپل پارک لیاقت پور کا دورہ، میونسپل عملے کو صفائی بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی۔ لیاقت پور میں اسسٹنٹ کمشنر آصف اقبال نے میونسپل پارک کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران پارک کے تفصیلی پلاٹوں کو چیک کیا۔ پارک میں صفا کی ابتر صورتحال پر فوری صفا کے احکامات جاری کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر کی موجودگی میں میونسپل عملے نے صفائی کروائی۔ اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق میونسپل پارک میں جھولوں کی تعداد کم ہے، مزید جھولے اور پودے لگائے جائیں گے۔ دورے کے دوران میونسپل عملہ بھی اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ تھا۔ آپ بتائیں کہ بہاولپور میں وزیراعظم گلوبل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی 5 اسکیموں کے لیے فوری فنڈز مانگ لیے۔ 5 ڈیولپمنٹ اسکیمز کے لیے 1,73,00,000 کے فنڈز طلب کیے گئے ہیں۔ محکمہ بلڈنگ کی جانب سے اعلی افسران کو خاص بھی لکھ دیا گیا ہے۔ وزیراعظم گلوبل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی 5 اسکیموں کے لیے بہاولپور میں فوری فنڈز مانگ لیے گئے۔ ان اسکیمز کے لیے 1,73,00,000 کے فنڈز طلب کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر کو خط بھی لکھ دیا گیا۔ ترقیاتی اسکیمز میں ایگزامینیشن ہال گرلز ہائی اسکول 19 ڈی این بی کی تعمیر کے لیے 67,00,000 روپے مانگے گئے۔ ایجوکیشنل کمپلیکس ہیڈ راج کلاں یسمان کی تعمیر کے لیے 24,00,000 روپے مانگے گئے۔ بنیادی مرکز صحت 113 ڈی بی آر کے لیے 15,00,000 اور نیو لاری اڈا چلڈرن پارک کے لیے 30,00,000 مانگے گئے۔ 132 ڈی این بی میں ایڈیشنل کلاس رومز کی تعمیر کے لیے 37,00,000 روپے طلب کیے گئے۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ نے کہا کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ 12 جولائی کو ملتان میں حکومت کے خلاف بھرپور مارچ ہوگا۔ مزید جانتے ہیں جنید انور کی اس رپورٹ میں۔ جماعت اسلامی ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ 12 جولائی کو ملتان میں حکومت کے خلاف مارچ ہوگا۔ سراج الحق ملتان میں حکومت مخالف مارچ کی قیادت کریں گے۔ سراج الحق ملتان میں اگلا لائحہ عمل واضح کریں گے۔ 12 جولائی کو موسم ٹھنڈا اور احتجاج گرم ہوگا۔ 12 جولائی کو انشاءاللہ ملتان میں ایک بڑے عوامی مارچ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب آئندہ لائحہ عمل کا بھی اعلان کریں گے۔ لیاقت بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ ملک کے اقتصادی اور سماجی رویوں میں بحران ہے۔ عمران خان کے اقتدار کو 1 سال ہونے والا ہے مگر وہ بے بس ہیں۔ بیرون ملک اثاثے اور اربوں ڈالر رکھنے والے اکاؤنٹس ہولڈر ملک کے اندر آزاد ہیں۔ لیاقت بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ نصاب تعلیم سے اسلامی تعلیمات کو ٹارگٹ بنا کر خالص کیا جا رہا ہے۔ ملک میں سلیکٹڈ احتساب کیا جا رہا ہے جبکہ پاناما میں 436 افراد اور اربوں ڈالر کے اثاثے رکھنے والے بھی آزاد ہیں۔ عوام کی توقعات تھی 1 کروڑ نوکریاں ملیں گی اور 50,00,000 گھر ملیں گے، مگر عملاً ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تاجر برادری کی ہڑتال کی حمایت کرتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کی تبدیلی پر کہنا تھا کہ وہ کسی جمہوری دشمن کھیل کا حصہ نہیں بن سکتے جس سے عوام کو فائدہ نہ ہو۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ گورنمنٹ ٹیکنالوجی کالج کی جگہ میر شاکر خان ٹرینڈ یونیورسٹی کے قیام کے خلاف پاکستان سرائیکی پارٹی کے عہدیداران سراپا احتجاج ہیں۔ نون سرائیکی پارٹی نے گورنمنٹ ٹیکنالوجی کالج دوبارہ بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ دیکھیے زشان صفدر کی رپورٹ۔ ڈی جی خان سخی سرور روڈ پر پاکستان سرائیکی پارٹی کے عہدیداران اور ممبران نے میر شاکر خان یونیورسٹی کے سامنے احتجاج کیا۔ پاکستان سرائیکی پارٹی نے گورنمنٹ ٹیکنالوجی کالج کو ختم کر کے یونیورسٹی میں تبدیل کرنے پر احتجاج کیا۔ چند ماہ قبل وزیر اعلیٰ پنجاب نے کالج کو اپ گریڈ کر کے شاکر خان یونیورسٹی بنانے کے احکامات دیے تھے۔ مرکزی صدر پاکستان سرائیکی پارٹی ملک اللہ نواز وینس نے کہا کہ کالج کو ختم کر کے یونیورسٹی بنانے سے کالج کے طلبہ کا مستقبل تاریک کیا گیا۔ ٹیکنالوجی کالج جو چل رہا تھا، جو لوگ مختلف کلاسوں میں اسٹوڈنٹ پڑھ رہے تھے، اس کو سرے سے ختم کر دیا گیا ہے۔ اب اس کو کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں کی گئی۔ اب لوگوں کو پریشانی یہ ہے کہ اگر ہمیں ایڈجسٹ نہ کیا تو شاید ہمیں لائیہ بھیج دیا جائے یا رحیم یار خان بھیج دے، اور تو ڈیرہ غازی خان میں کوئی ایسا نہیں ہے۔
تو اس کو یہ ان کا مطالبہ یہ ہمارا مطالبہ یہ کہ سچ ان کو رہنے دیا جائے تاکہ بچوں کی تعلیم ختم نہ ہو۔ مظاہرین نے کہا کہ گورنمنٹ ٹیکنالوجی کالج کو ختم کر کے یونیورسٹی میں تبدیل کرنا کسی صورت بھی ناقابل قبول ہے۔ سارے نال حکومت مذاق کریں دی کھڑی ہے، ایک ادارے کو ختم کر کے بیاگ ادارہ چالو کر دیں، یہ سراسر زیادتی ہے۔ سارے بال ہوں جہاں ٹیکنالوجی کالج جہاں تعلیم حاصل کریں پر کتوں جن۔ مظاہرین نے کہا کہ یونیورسٹی کے لیے علیحدہ بلڈنگ اور عملہ فراہم کیا جائے۔ کیمرامین ریحان علی کے ساتھ ذیشان صفدر، روہی، ڈی جی خان۔ بہاولپور میں اسلامی یونیورسٹی کے پروفیسرز اور اساتذہ کے استطاعت کار بڑھانے اور دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ٹیچرز ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا۔ امریکہ آسٹریلیا کے ماہرین نے ورچوئل ٹیکنالوجی پر یونیورسٹی اساتذہ کو لیکچرز دیے۔ رپورٹ کریں طیب سیف۔ بہاولپور میں اسلامیہ یونیورسٹی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ کی استعداد کار بڑھانے کے لیے ورچوئل کلاسز کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں آسٹریلیا اور امریکہ کے ورچوئل اساتذہ نے ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرس کو لیکچر دیے۔ ہم نے انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو آن لائن کیا ہے، جس میں ڈاکٹر سٹیسی کروز ہیں امریکہ سے اور ڈاکٹر ڈیوڈ گبسن ہے کرٹن یونیورسٹی آسٹریلیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ یہ 6 ہفتے کی ورک شاپ ہے، جس میں ورچوئل ٹیکنالوجی کی مدد سے عالمی ماہرین اساتذہ کو لیکچر دیں گے۔ پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہماری اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں سٹارٹ کیا گیا ہے، اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی نیو ماڈرن اپروچز ہیں ہم ان کو اپنی کلاس روم کے اندر کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں، ان اپروچز کو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کس طرح اس کو ڈیل کروا سکتے ہیں، اور بچوں کے اندر آئی سی ٹی کی اویئرنیس پیدا کرنی ہے۔ اسکالرس کا کہنا تھا کہ دوسروں کے تجربات سے سیکھ کر ترقی ممکن ہے۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ طیب سیف، بہاولپور۔ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر دوسرے افراد کی زندگی بچانے والے مخصوص ریسکیو اہلکاروں کو پنجاب بھر میں بہتر کارکردگی دکھانے پر انعامات دیے گئے۔ انعام کے طور پر بہاولپور کے 6 ملازمین کو بھی ان کی کیٹیگری میں انعامات دیے گئے ہیں۔ دیکھیے محمود وحید کی رپورٹ۔ ریسکیو ملازمین اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر دوسرے افراد کی زندگی بچاتے ہیں۔ پنجاب بھر میں ایسے چند محسوس ریسکیو اہلکاروں کو انعامات دینے کی ہر ضلع میں تقریب ہوئی۔ ہر ڈسٹرکٹ میں ہر کیٹیگری کا ایک امپلائی لیا جاتا ہے، جو بہتر، جس نے پورے سال میں ایکسٹراآرڈینری جو اپنی پرفارمنس دی ہو، اور اس میں سے بھی پھر جتنے لوگ یہ سلیکشن ہو کے پنجاب اکیڈمی ہیڈ کوارٹر جاتے ہیں، پھر ان میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے کہ پروینشل لیول پہ جو ہے نا 5 بندے نکالے جائیں تاکہ ان کو ڈبل پے انعام کے طور پہ دی جائے۔ انعام کے طور پر بہاولپور کے 6 ملازمین کو بھی مختلف کیٹیگری میں انعامات دیے گئے، جنہوں نے اپنی حوصلہ افزائی پر افسران اور حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ جو ہمیں انعام سے نوازا ہے، دل و جان سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی جو بچا سکیں اور جتنا بھی کم سے کم کسی کا نقصان ہو سکے وہ ہم کریں، اور اپنی جان پر کھیل کر کسی کی جان بچائیں وہ۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر محمد باقر کا کہنا تھا کہ ملازمین کو انعام کے طور پر فی ملازم تقریباً 40,000 روپے دیے گئے ہیں۔ کیمرامین فراز احمد کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ میاواری کے تحصیل پپلا سے تعلق رکھنے والے نجی ٹی وی کے اینکر پرسن مرید عباس کا جلد خاکی ان کے آبائی گھر پہنچا دیا گیا۔ رات 10:15 پر مرکزی قبرستان میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اختر مجاز کی رپورٹ دیکھیے۔ نجی ٹی وی چینل کے اینکر مرید عباس کو کراچی میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ ان کے گھر تعزیت اور افسوس کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مرید عباس کے قتل پر پورا شہر سوگ میں ڈوب گیا۔ مرحوم کے والد کہتے ہیں مرید عباس کے بعد ان کی دنیا ختم ہو گئی۔ کوئی تھانہ، کوئی رپورٹ، کوئی گل کو نہیں، پڑھنا شروع کی تھی، شدے میں نے شروع کی تھی۔ مرید عباس کے کزن کا کہنا ہے کہ بحثیت انسان مرید عباس انتہائی عظیم اور خوبصورت انسان تھے، ان کے ساتھ گزارے گئے ایام کبھی بھی بھلائے نہیں جا سکتے۔ مرید صاحب ہمارے بھائی تھے، کزن تھے، بس یہ تھے کہ انسان وہ بہت ہی اچھے انسان تھے۔ مرید عباس کے پسماندگان میں والد، والدہ، 5 بھائی بہن، بیوی اور ایک بیٹا شامل ہے۔ کیمرامین شیراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ بہاولپور آرٹس کاؤنسل کے زیر اہتمام 5 روزہ کڈز کلچر کیمپ جاری کر دیا گیا۔ دوسرے روز نانے بچے مٹی کے برتن بنانا سیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے آپ لاشار کی رپورٹ۔ کونسل بہاولپور میں سجائے گئے 5 روزہ کڈز کلچرل کیمپ کے دوسرے روز بچوں نے خوب انجوائے کیا۔ بچوں کو بہاولپور کی ثقافت، مٹی کے برتن بنانا سکھائے گئے۔ بچوں نے مٹی کے برتن بنائے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ہم یہاں بہت سی چیزیں بنانا سیکھ رہے ہیں، جیسے مٹی کے برتن بنانا سیکھ رہے ہیں، اور کل ہم نے گڑیا بنانا بھی سیکھا، اور کل ہم نے گڈا گڈی کی شادی بھی کی تھی، ہمیں بہت مزہ آیا۔ ہمیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے اور روز کرنی چاہیے، تاکہ ہم دوسرے موبائل اور ہر ان ٹیبلٹس وغیرہ سے دور ہو سکے۔ اور انچارج کڈز کلچرل کیمپ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے صرف روہی۔